क्या मनाली आके कैसा लग रहा है आपको? मनाली आके बहुत अच्छा लग रहा है, यहाँ का क्लाइमेट। पेड़ गायब, पेड़ हो गए गायब, आई नहीं देंगे। सो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। अभी 11 बजे अच्छा है और मैं हूँ अभी इस टाइम कुल्लू में, दरिया में, ब्यास नदी आप मेरे पीछे देख सकते हैं। और ये मैंने स्टे किया है वैष्णो माता धर्मशाला, काफ़ी अच्छी धर्मशाला है, आप भी आकर रुक सकते हैं। मैं अभी आपको जाके रूम दिखाऊंगा और हम आज चलेंगे मनाली, तो आप वहाँ की जो टूरिस्ट प्लेस है सारी कवर करेंगे इस वीडियो में, तो आप मेरे वीडियो के साथ बने रहें। चलिए गाइस, मैं अपना रूम दिखाता हूँ, बड़ी प्यारी धर्मशाला है। ये हमारा पूरा ग्रुप रुका हुआ है और ये इस तरफ का ये हमारा रूम है। अभी दो बंदे यहाँ सो रहे हैं और ये यहाँ पे बाथरूम है, अभी वो दिखाने लायक नहीं है। बड़ी प्यार मस्त धर्मशाला है, आप आए तो यहीं रुकें। ये हमारा पूरा ग्रुप आ चुका है, यहाँ सर है हमारे सामने। ना भाई ना, तो गाइस वैन में बैठ चुके हैं, आ गई हमारी पार्टी। पार्टी मस्त है, तो लेट्स गो। हम लोग निकल चुके हैं मनाली की तरफ। तो दोस्तों अभी हम रुके हैं चाय पीने के लिए, यहाँ दोनों गाड़ी आ चुकी हैं। ये दोनों बहन हैं, लगभग 25 लोगों का ग्रुप है हमारा। चलिए फिर चाय पीते हैं, फिर निकलते हैं। गाइस हमारा टी ब्रेक हो गया खत्म, अब हम लोग फिर से कंटिन्यू निकल चुके हैं मनाली की ओर। तो चलिए जर्नी करते हैं एंजॉय मेरे साथ, और आप खूबसूरत खूबसूरत नज़ारों के मजा लीजिए मेरे साथ, आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। देखिए भाई लोग, ये बह रही है ब्यास नदी, काफ़ी सुंदर नज़ारा है यहाँ का। ये देखिए दोस्तों खूबसूरत पाइन ट्री, तो ये मनाली का लास्ट गांव है, फिर इसके बाद लाहौल स्टार्ट हो जाता है। यहाँ से ले लगभग 400 प्लस ही है, तो काफ़ी अच्छा आपको सुंदर व्यू मिलेगा यहाँ से। और हम जा रहे हैं अभी रोहतांग पास के लिए, लगभग यहाँ से 10 किलोमीटर है रोहतांग पास, चल रहे हैं। बढ़िया सुंदर नज़ारा, गजब भी नज़ारा है यहाँ का। ये देखिए आप, ये गाँव प्यारा सा गाँव, खूबसूरत वादियाँ ये मनाली की। तो दोस्तों अभी आपको ये ग्रीनरी दिखाई दे रही है, अभी हिमाचल का एरिया चल रहा है यहाँ पे मनाली, ग्रीनरी काफ़ी अच्छी है यहाँ पे। अभी अब जब वहाँ से थोड़ी देर आगे जाएंगे हम, थोड़ा आगे, तो उसके बाद ये ग्रीनरी बिल्कुल कम हो जाएगी, तो लेह का एरिया आ जाएगा वहाँ से आगे से।
हम अटल टनल लाग चुके हैं। हम चल रहे हैं अब अटल टनल के अंदर दोस्तों। हम लोग आ चुके हैं अटल टनल के अंदर। वेलकम टू लाहौल स्पीति। देखो पेड़ एक भी नहीं है यहाँ पे, पेड़ गायब, पेड़ हो गए गायब। आदर्श दिखाई नहीं देंगे यार। लाहौल स्पीति है ना। तो दोस्तों ये रोड जो जाती है वो लेक की ओर जाती है। ये पता नहीं कौन सी नदी है। हाँ यहाँ से ले लगभग 400 किलोमीटर और हम लोग आ चुके हैं टनल की इस तरफ। तो यहाँ पे पेड़ सब गायब ही हो चुके हैं। ये अर्पण और ये आप देख रहे हैं चंद्रा नदी बह रही है। बढ़िया, बहुत अच्छा सीन है यहाँ का। तो गाइस हम आ चुके हैं यशन पॉइंट तक। वहाँ से सब लोग एडवेंचर एक्टिविटी करके आ गए हैं। हम लोग सब इकट्ठे हो रहे हैं अभी। अभी हम चलेंगे मनाली की तरफ, देखते हैं फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या है, सब लोग कहाँ विजिट कराते हैं। अभी सब लोग वेट ही कर रहे हैं सब लोगों का। सो गाइस हम आ चुके हैं सोलांग वैली में। कुछ इस तरह का नज़ारा है यहाँ का। रोबेस के सेंटर यही से होती है भैया। पैराग्लाइडिंग हो रही है जिसका 3500 रुपए लगेंगे आपको। अब मनाली आगे कैसा लग रहा है आपको? मनाली आगे बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ का क्लाइमेट बहुत अच्छा है, अभी बहुत ठंडी पड़ रही है अभी। यहाँ पर बादल का मौका, बहुत अच्छा सुहाना मौसम है यहाँ पर। आप लोग यहाँ पर आकर देख सकते हैं, बढ़िया सा बहुत सुंदर, बहुत ब्यूटीफुल। हाँ जी आगे कैसा लग रहा है? बहुत शानदार जगह लग रही है। बोलो ना। मुझे रोना आ रहा है क्योंकि मुझे सर्दी लग रही है और मैं गर्म कपड़े लेके नहीं आई। हाँ तो क्या एहसास है? मुझे टिटनेस हो रहा है। मुझे बहुत ठंडी लग रही है। मुझे बहुत ठंडी लग रही है। बहुत अच्छा लग रहा है। हेलो गाइस कैसा लग रहा है? बहुत बेकार। कोई लग रहा है यहाँ पर आकर? हाँ देखिए भाई ये कोई जगह है पता नहीं, लेकिन यहाँ पे कोई सोर्स नहीं है पानी का, फिर पानी आ रहा है। पढ़ाई का जब पानी आ रहा है भर रहा है अपना बंदा। पढ़ाई में यहाँ का ये अपन उतरे हैं ऊपर से नीचे मनाली की ओर। चलिए बैठते हैं यार, लेट हो रहे हैं। तो गाइस हम आ चुके हैं अभी हिडम्बा देवी टेम्पल के लोकेशन पे। अभी हम पैदल जा रहे हैं यहाँ से पैदल मार के नीचे से।
इस तरफ हमें जाना है, अभी सीधे चलेंगे, थोड़ा डिस्टेंस है, ज़्यादा नहीं है। तो भाई लगभग ऊपर आ चुके हैं, अब यार जा साइड जाने इस साइड है, तो इस साइड चलेंगे सीधा, इनसे पूछ ले रहे प्यारी सी मार्केट यहाँ की, वशिष्ठ मंदिर है बस थोड़ा दूर। ये आ गया भाई वशिष्ठ मंदिर, अभी हम चल के कराते हैं अंदर दर्शन। साथ ले लो मधु 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 मधु, ये राम मंदिर है यहाँ। चलिए तो भाई चलते हैं, विशिष्ट मंदिर के हो गए दर्शन, अब चलते हैं आगे नेक्स्ट पॉइंट की ओर। ये बढ़िया देवदार के वृक्ष सामने आपको देख रहे हैं। तो गाइस आ चुके हैं हम हिडिंबा टेम्पल, घटोत्कच जी का स्थान। ये आ गए हम मॉल रोड पे, यहाँ पे मनाली का मॉल रोड काफी फेमस है। आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।